स्कर्दू हो और स्कर्दू में खूबसूरत मौसम हो तो खुशी दुगनी हो जाती है, ऊपर से गाड़ियां कन्वर्टेबल हो तो खुशी चुगनी हो जाती है, लेकिन खुशी ज़्यादा हो तो खुशी को नज़र भी लग जाती है। वो कहते हैं ना, खबरदार खबर बेखबर ज़िंदगी, ज़िंदगी की खबर किसी को नहीं होती। आप घर से कुछ सोच कर निकलते हैं और ज़िंदगी ने आपके लिए कुछ और प्लान किया होता है। ये दुनिया फ़ानी है और इस चीज़ का अंदाज़ा आपको तब होता है जब आप ऐसे मरले से गुजरें जो आपको ये याद दिला दे कि ये ज़िंदगी, ये सांसें, ये सब वो उधार है जो खुदा ने हमें दिया है, जिसके बदले इंसान सारी ज़िंदगी भी शुक्र अदा करे तो वो भी कम है। और हाथ से आपकी अक्ल ठिकाने पर लेकर आ जाते हैं कि ये दुनिया फ़ानी है, ये दुनियावी चीज़ें बहुत मामूली हैं जिसके पीछे मैं, तुम और हम सब भाग रहे हैं। What a sunny day. गर्मी चौकी पै रही थी इस वास्ते ताड़े पुराने शावर लिया एकदम मस्त माहौल ते मीठे चौल। भाई तो मेरा नाश्ता हमारा आ चुका है, तीन यहाँ पे चार यहाँ पे ऑमलेट्स हैं, तीन यहाँ पे फ्राई हैं, साथ ब्रेड है, चाय आ रही है, इंजॉय माहौल है, आपका भाई फ्रेश है, थोड़ा सा लेट है लेकिन कुछ नहीं होता, टेंशन नॉट, पहुँच तो जाएंगे हम टाइम से। टाइम वैसे क्या हो रहा है, 11 बज गया तो 12:30 तक हम इंशाल्लाह सरफरंगा रेडी पे होंगे। चलते हैं सरफरंगा, इंजॉय करते हैं साथ स्कर्दू और स्कर्दू का मौसम एंजॉय करते हैं। गर्मी बहुत शदीद थी सुबह सुबह जब उठे हैं, लेकिन अब थोड़ा मौसम बेहतरी की तरफ आ रहा है। वाकई इसको इंटे बांधो भाई, तूफान गाइस, तूफान, हैवी तूफान आया है। हम लोग सुकून से बैठे हुए थे, ये चेयर कहीं गिरी है द्रल करके। मुझे नहीं पता सरफरंगा रैली का क्या बनेगा, सरफरंगा का सफरनामा। वो देखो भाई, वो देखो, लुक एट दैट, मतलब के तूफान इज हेयर भाई जान, तूफान इज हेयर। मैं पकड़ के बैठा हूँ, उड़ेगा नहीं। उस साइड पे क्लियर है जहाँ पे रैली हो रही है, इस साइड पे ना बेसिकली जहाँ पे सरफरंगा है वो सारा उस साइड पे रेगिस्तान, ये वो एयरपोर्ट वाली साइड है और पीछे वाली साइड है जहाँ से आप आते हो स्कर्दू सिटी में। लेकिन भाई रिस्की मामला चल रहे हैं, तैयार हो फटाफट, शाबाश जल्दी जल्दी, अल्लाह माफ करे जलजला ना कहे। क्या हुआ, बारिश आ गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से मजे में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। राइट नाउ वी आर इन स्कर्दू, मज़ेदार मौसम के साथ। सुबह सुबह बहुत गर्मी थी जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन अभी मौसम काफ़ी हद तक प्लेजेंट हो गया है। मेरे पीछे अगर आप देख सकते हो तो मौसम बड़ा ही पप्पू हुआ है, बादल जो है ना उन्होंने पहाड़ों को चारों तरफ से घेर लिया। सरफरंगा रैली पे अब क्या सीन चल रहा है, क्योंकि अब तूफान भी अभी थोड़ी देर पहले आया, क्या सीन नहीं चल रही है उधर जाके ही पता चलेगा। बारिश अगर होगी तो क्या ऑफ सीन होगा ये भी हमें पता चल ही जाएगा। आज जो व्लॉग स्टार्ट करते हैं, बॉयज़ आर रेडी, कार्स आर रेडी, वी आर रेडी, लेट्स होप सो एवरीवन एल्स इज रेडी। और अभी तक तो वैसे स्टार्ट हो गया होगा क्वालिफाइंग राउंड, लेट्स गो। Everything was going very well. It was just another beautiful day in Skardu. Awesome और convertible गाड़ी का फायदा उठाते हुए I started enjoying the weather. And this is the first mistake जिसकी वजह से accident हुआ। And this is the second. Thank you.
यार इकट्ठे चलते हैं यार। अभी भी मेरी भी हालत खराब है। नहीं अभी हुआ क्या इससे पहले? मुझे तो होश नहीं है, कुछ भी नहीं होता। तो लेके ये माथे पे है, हल्के से साइडों पे है। आपने कुछ खाना पीना नहीं है? ठीक है ठीक है। सिटी में हुआ था यहाँ तो बस ये गाड़ी यही कॉल कर लो डायरेक्ट। नहीं नहीं तो क्या हाँ खड़ा था मैं, आप खड़ा था, आप उन पे गिर गए हैं। हाँ याद आ गया, आप उन पे गिर गए हैं तो उसने एकदम गाड़ी उसका सेटिंग याद आ गया। याद आ गया यही हुआ ना, गाड़ी कार कार था ये। तो शुक्र है आप लोगों को गाड़ी के ऊपर छज्जा नहीं बना हुआ था, ठीक है। इसलिए आप एक साइड पे गिर रहे हैं, दूसरा आपका जो हमजा है ना हमदा सुध दूसरे साइड पे गिर। हम देख रहे थे ना आगे से, हमने कहा यार ये क्या हो गया, मिट्टी उड़ने लगा और इतना खतरनाक एक आवाज़ आया वहाँ पे ना, करके एक आवाज़ आई। हमने कहा याद है आप, फिर मैंने रसूल को कहा यार जल्दी गाड़ी वहाँ से वहाँ लगा दो, हम आपको उठा के लाके गाड़ी में बिठा दिए आपको हमजा को। अभी ठीक है ना सर? कान में बहुत ज़्यादा दर्द है। कान का कोई लगा है अंदर? कोई मसला नहीं है यहाँ, मसला नहीं है कान का, इसलिए मसला नहीं है, कान के ऊपर लगा है, अंदर से खून नहीं आया। अगर अंदर से खून आए ना फिर आपको सिचुएशन थोड़ा सा। ये तो हमजा तो कमजोर भी था यार बहुत ज्यादा, बिल्कुल हड्डी निकला हुआ उसका। ये मेरी ज़िंदगी का वो पॉइंट था कि मेरे इर्द गिर्द जो भी हो रहा था मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा था। ऐसा ही लग रहा था जैसे अभी मेरी आंख खुलेगी और ये सब एक ख्वाब समझकर भूल जाऊंगा। हमजा इज आल्सो एडमिटेड, लेकिन कह रहे हैं कि ही इज फाइन। एवरीबॉडी इज सेइंग कि ये बहुत ही खतरनाक सा एक्सीडेंट था, नेवर दे हैव नेवर सीन इस काइंड ऑफ एक्सीडेंट। बस जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बहुत बैड सीन हो गया, सिर्फ रंगा जाना था यार। हमजा की परेशानी हो रही है मुझे, सर में शदीद दर्द है, कपड़ा भी डबल एक्सरे। वैसे ठीक है हमजा, तबीयत ठीक है? हाँ काफ़ी बेहतर हूँ सर, में बस दर्द है मुझे। हाँ अल्लाह खैर होगा, कुछ नहीं होता। हमजा को मुझे टेंशन हो रही है यार, हुआ कैसे ये? हुआ कैसे? वो कह रहा टायर फटा। टायर नहीं फटा, ये जो हम मरकज़ ऊपर कर रहे थे ना, हमजा ने जान की शरारत की थी या खटाया था? मुझे लगता है उसने शरारत की थी। मुझे ऑल ऑफ सडन ऐसे ने रिकॉर्ड किया, वैसे ने वीडियो बनाई। सर में बस दर्द है, अल्लाह खैर करे। मुझे उसकी टेंशन है और हमजा की टेंशन है। हमजा का पूरी दर्द के काफ़ी गाड़ी फारिग हो गई है क्या यार, बैठे बिठाए यार। सुबह के 7:30 बज रहे हैं, ठंड चौकी पड़ रही है और नाश्ता करते हैं, फिर आपको बाकी की अपडेट देते हैं कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ठीक है। ये POV व्लॉग ही होना है क्योंकि बूथा आपके भाई का इस काबिल नहीं है कि आपका भाई व्लॉग करे। दिखाऊं ये जगह? हेलो अस्सलाम वालेकुम। नहीं भाई तू गाड़ी गाड़ी जब नीचे हुई है दूसरे को मुझे हमें पता है गाड़ी बस नीचे लेफ्ट गई है। जब गाड़ी नीचे गई है नीचे जाने से पहले वीडियो थी, फोन नीचे था और हम दोनों की पता नहीं क्या, मुझे नहीं समझ आया कि मैंने क्या बोला। मुझे ये पता हम भाग गए और मैं भाई इस बंदे को कहूंगा इस बंदे ने जो छलांग मारी है। किसने? थमोर भाई ने। वो ऊपर से नीचे जगह नहीं थी, वहीं से सीधी छलांग मार दी। यार मेरी भी खोपड़ी एग्जैक्ट आप जैसी है यार। वाओ ग्रेट, गुड शुगर यार, गुड एडवेंचर गाइस, होप टू नेवर एवर सी यू अगेन।
और थैंक यू ब्रदर, थैंक यू गाइस। अब आप मुझे देख पाएंगे। टूटा हुआ फोन, हमजा का टूटा हुआ फोन, हमजा की डिग्रियां भी अंदर ही हैं। शाबाश। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द व्लॉग। गाइस आपका भाई इज बैक, जिंदा सलामत आपका भाई। ए भाई इज बैक, कोई हल्का सा चक्कर आया, जरा मेरे साथ रही है। ये हमारे साथ दूसरे भाई मौजूद हैं, हमजा भाई फ्रॉम डैब, द ड्राइवर, द ग्रेट जीनियस ड्राइवर। हम लोग अल्लाह का शुक्र है यार, सही सलामत है। आज वी आर लीविंग स्कर्दू, वी आर ऑफ टू इस्लामाबाद फ्रॉम जहाज, बाया जहाज, जहाज पे जाएंगे हम, क्योंकि हमारे अंदर सफर करने वाली हिम्मत नहीं है। लेकिन कुछ नहीं होता यार, अब जो जिंदगी में लिखा था, जो लिखा था होना था, अब क्या कर सकते हैं यार। लेकिन सबसे अच्छी बात होता क्या है कि मैं जनरली एक बात की है, हमजा को भी यही बात की है कि यार माल का नुकसान तो नो डाउट, बेचारी की गाड़ी पूरी टोटल हो गई है यार, बहुत दुख है उस चीज़ का मुझे। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जान बच गई है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। जितना बुरा एक्सीडेंट था, यकीन मानो यार आप लोग के वहाँ के जो लोकल्स थे, जिन्होंने हमारी बहुत बहुत हेल्प की है, सारे लोकल्स ने बहुत हेल्प की है, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट देम वंस अगेन। बहुत साथ दिया उन्होंने, बहुत ही ज़्यादा साथ दिया है। मतलब एक बंदा लिटरली कान के अंदर इंजेक्शन लगना था एनेस्थीसिया के लिए, तो मेरे पास नहीं था कोई, क्योंकि दो बंदे बेचारे वो कैसे हैंडल करते हैं हम दोनों को, तो वो भाई मेरे पास खड़े थे, लोकल थे वहाँ के, कोई टूरिज्म पुलिस की, यकीन मानो बहुत साथ दिया उन्होंने। और पैसे भी हमारे उन्होंने लिए ही नहीं है हमसे, और मैं उनको एंड पे यही कहा, अप्रिशिएट किया कि यार हैट्स ऑफ टू यू गाइस, जो आप लोग इस तरह से काम कर रहे हो। वो यही कह रहे थे कि यार हम टूरिज्म को बहुत ज्यादा इधर ख्याल रखते हैं, अल्लाह जाने इसमें कोई और बेहतरी होगी। एक वही बात हो गई कि यार एक अल्लाह का प्लान होता है, एक आपका प्लान होता है, अगर आपका प्लान नहीं काम करता तो उस जात के भरोसे अपनी जिंदगी को काटें। और सबसे बड़ी बात यह है, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। इससे भी ज्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता था, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ है। जब मैं आपको बताऊंगा आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि किस कदर बुरा एक्सीडेंट हुआ। There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. And the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night. Dhyan se aana yaar, theek hai, don't fly fast. डोंट ड्राइव फास्ट, ओके ऐसा। खैर अभी भी हालत सेंसिटिव है, हम जा रहे हैं एयरपोर्ट, 10 बजे की फ़्लाइट है इस वक्त, ऑलमोस्ट जो है वो 9 बज रहे हैं, तो बस पहुंचते हैं एयरपोर्ट। ऐसे गाड़ी में बैग रखकर हमें बता कि क्या हुआ था। सो बेसिकली मैं और हमजा एक गाड़ी में से जो हादसे का शिकार हुई, दूसरी गाड़ी जो ये खड़ी है इसके अंदर थे उमर भाई और हमजा भाई, उमर भाई उर्फ डेक्स्टर, एहसन भाई उर्फ बबलू, जिनकी चिंगम की फैक्ट्री है, अगर आपको याद हो पहला व्लॉग देखा होगा आपने इस सीरीज़ का। गाड़ी जो थी मेरे सामने कोई 2-3 दफ़ा उछली है, पहले जब उछली आप गिर गए, दूसरे तीसरे में जाके कहीं हमजा गिरा। इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ख़त्म था मामला, चैप्टर क्लोज था उधर, क्योंकि जितना बुरा हादसा हुआ था आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन इट टू यू, क्योंकि हमारी जो मेमोरी है, हम दोनों की मेमोरी, अब पता नहीं ये ब्रेन के काम करने का तरीका है या क्या, हमारी मेमोरी उस पॉइंट तक है जहाँ पर मैं हमजा के ऊपर गिरा हूँ, बस उस शॉक के बाद ब्रेन ने ऐसा रीसेट मारा है, ऐसा रैम रीसेट हुई है हमारी कि वो हम पूरे सेट हो गए हैं। उसके बाद हमें कुछ याद नहीं है। मुझे फिर ये याद है कि मैं गाड़ी के साइड पे खड़ा हूँ और मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है और वो रिकॉर्डिंग पे था, मोबाइल पकड़ा हुआ है, और मैं उनको ये कह रहा हूँ कि आ जाओ अब हॉस्पिटल चलते हैं, यहाँ पर रुक के क्या करना है। सबसे पहले मैंने हमजा का पूछा कि हमजा किधर है, हमजा का कहा था इन्होंने कि वो हॉस्पिटल ले गए हैं, फिर मैंने कहा यहाँ पे रुक के क्या करना है, लेट्स गो टू हॉस्पिटल, फिर मुझे भी हॉस्पिटल ले गए। फिर गाड़ी में मुझे जो उधर के लोकल्स थे उन्होंने याद करवाया कि आपके साथ हुआ क्या है, फिर मुझे याद है, इवन मुझे वो भी याद नहीं था जो मैं हमजा के ऊपर गिरा था, वो भी मुझे उन्होंने याद करवाया था, तो मुझे याद आया था कि ये सीन हुआ है। बड़ा खौफनाक एक्सपीरियंस था यार, बहुत खौफनाक एक्सपीरियंस था, ये वक्रा एडवेंचर हमने कर लिया है, गाड़ी पूरी टोटल हो गई है, बड़ा अफसोस है इस चीज़ का। बस आज निकलते हैं अब एयरपोर्ट की तरफ और लेट्स गो टू इस्लामाबाद, वी विल मिस यू। Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this. If you try to get some sleep,
always think of you and me. भाई लोग सक्सेसफुली लैंडेड इन इस्लामाबाद, लेकिन हालत बहुत टाइट हो गई है, दर्दें ऊपर ऊपर के बाहर आ रही हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। वेरी फास्ट भाई, वेरी फास्ट सर्विस, लेकिन कह रहे नहीं वैसे मामला बहुत टाइट है, दर्द ऐसी ऐसी जगहों से निकल रही है यार, ना सा दर्द होती है ये लोग, ना सा दर्द होती है, ये हाल हमारा। जख्मी दिल लेके लौटे वापस, हाथ में मोबाइल लेके चले थे व्लॉग करने। हर ये तो पता ही नहीं चला मौसम कैसे शिफ्ट हो गया, स्कर्दू से डायरेक्ट इस्लामाबाद, गर्मी जैकेट पहनी हुई है भाई ने, जैकेट तो आनी पड़ेगी, कम से कम 15-16 घंटे तो लग जाते हैं अगर आप गाड़ी पे भी जा रहे हैं। विद इन 45 मिनट्स वी आर इन इस्लामाबाद, कोई 16 साल बाद ट्रैवल कर रहा हूँ, 2008 में लास्ट मैंने ट्रैवल किया था सिंगापुर। भाई लोग रोटी खानी थी, भूख बहुत ही वाफर लगी हुई थी, भूख लगी हुई है मुझे भी, हमजा को भी, खाना खाते हैं। ये दोनों बॉयज आ गए हैं हमें लेने, ऑल थैंक्स टू देम। ये डिमेंटर जो है ना, ये एहसन भाई की है जो इस वक्त स्कर्दू की राहों में है। एहसन और टेक्सचर भाई जो है वो गाड़ी का इंतजाम उन्होंने कर लिया है, वहाँ से उन्होंने बिल्टी करवानी है गाड़ी यहाँ पे, क्योंकि गाड़ी चल तो सकती नहीं है। तो दुआ में याद रखें उसको भी, मुझे भी और हम सबको। बाकी आप भी अगर स्कर्दू जाएं तो अवॉइड करें मस्ती से, छत बंद रखें गाड़ी की अगर आपके पास कन्वर्टेबल है, और जिंदगी का मजा लें लेकिन लिमिट्स में। और नहीं, सीट बेल्ट अगर लगी होती ना, यही बात हम कर रहे थे डीएसपी साहब से, जो डीएसपी, अच्छा एक और जरूरी बात यार, वहाँ के स्कर्दू के जो डीएसपी थे उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है, मतलब आउट ऑफ द वे जाके स्कर्दू वाले बॉयज ने आके हमारे साथ जो है ना ताउन किया और हेल्प की है, और हमारे साथ रहे हैं कि यार इनको किसी भी चीज़ की कमी ना हो। और जो होटल का ऑनर था जहाँ पे हम स्टे कर रहे थे, सुबह सुबह छोड़ने वो एयरपोर्ट भी छोड़ने, वो हमें अपनी गाड़ी पे आए थे क्योंकि हमारे पास तो 2-सीटर थी। तो इस तरह का बहुत कोऑपरेशन हमें फील हुई है, बड़ा दिल ये अपनापन लगता है इस तरह जाके ना, मतलब बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही अच्छा लगा है ये देख के कि यार इतनी मोहब्बत है हम सब में, इतनी यूनिटी है। बस तुम दुआवां याद रखो सानू सबनों, ऑल थैंक्स टू माई बडीज फॉर हेल्पिंग मी आउट, वहाँ पे एहसन और डेक्स्टर, यहाँ पे हुज़ैफा और बासिम, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने बस फरिश्ते भेजे उस वक्त तो सारे ही और हमारी मदद की। बाकी बस यार अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें, लव यू गाइज। और ये काफ़ी देर बाद आएगा क्योंकि यहाँ डिस्टर्ब है, अभी डॉक्टर से बात की है, वो कह रहे हैं चुप करके सुकून नाल कार बो, बच्चे बाहर नहीं कटना, सुकून नाल जरा है ना रेस्ट करना तुसी। ओके जी, तुसी भी रेस्ट करो, अल्लाह हाफिज़। यहाँ से गाड़ी जो है तेज़ आ रही थी, वीडियो में हमने देखा होगा यहाँ पे एक बंदा था, गाड़ी यहाँ से आई है या उमर भाई की गाड़ी खड़ी है और यहाँ से नीचे गई है और गाड़ी यहाँ से रोल ओवर करते हुए गई है। ये नहीं समझ आ रही कि रोल, गाड़ी सीधी गई है और उसके बाद गाड़ी रोल ओवर हो गई है। और ये इस वक्त DIG साहब हैं, पुलिस वाले हैं, गाड़ी को इस वक्त चेक कर रहे हैं क्योंकि गाड़ी जो है इन्होंने यहाँ से टो करके लाहौर भिजवानी है। या स्पेशली थैंक्स इस बंदे का, नबी नाम है इनका, स्पेशली थैंक्स है ये, अभी हम लोगों के इन्होंने बिल्टी वगैरह ईच एंड एवरीथिंग इन्होंने खुद की है, हमें बताया है कि इस तरह हो रहा है। और कल भी इन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, थोड़ी हेल्प नहीं की, ठीक है। और ये मैं इनको दिल से कहूँगा बहुत बहुत शुक्रिया इस बंदे का यार, मगर मैं कहूँगा स्कर्दू में लोग बहुत अच्छे हैं, मगर इस बंदे ने हमारी बहुत हेल्प की है।